अस्सलाम वालेकुम एट क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा? आई होप के ठीक होंगे। हमारे पास साइंस का लेक्चर नंबर 23 है, फ्राइडे 4 डेट का। राइट अ नोट ऑन पिपेट। पिपेट पे नोट लिखे हैं। पिपेट्स आर कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेबॉरेटरीज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन अ स्मॉलर क्वान्टिटी। पिपेट्स हमारे पास एक्चुअली कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? केमिस्ट्री या बायो की लैब में, जहाँ पर हमारे पास जो लिक्विड है उनकी छोटी मकदार को या कम मकदार को हमारे पास मेजर किया जाता है। पिपेट्स हैव सेवरल शेप्स एंड साइजेस। इनके मुतिब शक्ल और जिसामत होती है। देर आर ग्रेटिट्यूड टू अ स्पेसिफिक मार्क, इन पे निशान लगे होते हैं, आई मीन इतना इतना इसके अंदर आते हैं। दीज आर कॉमनली अवेलेबल इन द साइज ऑफ 10 मिलीलीटर 25 to 25। ये 10 से 25 तक होते हैं। पिपेट्स आर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये भी शीशे या प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर हम 11 शुरू करेंगे। जो जो चैप्टर बेटा मैं छिड़वा रही हूँ, परेशान नहीं होना, वो चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह आफ्टर स्कूल हमारे पास जब ओपन होंगे तो हम उनको वो तब करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास लेक्चर थोड़ा डीपली जाके समझाने वाले हैं, तो वो इंशाल्लाह स्कूल में मैं आप लोगों को समझा दूँगी। चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से बनाया जाता है? नाउ फैंस कंप्यूटर रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस आवर होम्स कैन बी रन विद आउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हमारे घरों में पंखे, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर वगैरह या कोई भी और बल्कि जो आलात हैं वो नहीं चल सकते। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्राम मैन डिफरेंट सोर्सेज बाय डिफरेंट मेथड। मुख्य तरीकों को इस्तेमाल करके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या बिजली बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल एंड बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ड्राई सेल्स या बैटरी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है बाई केमिकल रिएक्शन ऑफ कंपाउंड, जहाँ पे कंपाउंड का रिएक्शन करवाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी प्रोड्यूस बाय सम मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव से भी तैयार की जाती है। जस्ट एज वी कैन मूव मेक मैग्नेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। जब हमारे पास मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वी कैन आल्सो यूज मैग्नेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास मैग्नेट्स भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। इफ़ ए मैग्नेट इज मूव क्विकली थ्रू अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर से हमारे पास मैग्नेट को तेज़ी से मूव करवाया जाए, इलेक्ट्रॉन मूव इन द वायर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या बिजली पैदा होना शुरू हो जाती है। ये हमारे पास रोटेटिंग कॉइल बिटवीन द अपोजिट पोल ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के अपोजिट जो पोल होते हैं उनके थ्रू भी पैदा की जाती है। द मैकेनिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वे इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनमो। हमारे पास इस तरीके से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर कहा जाता है। दस ड्यू टू रोटेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड अ मैग्नेट। रोटेटिव मतलब ये जो घूमने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनसे कॉइल और मैग्नेट से इलेक्ट्रिकल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द कॉइल। उस कॉइल में से हमारे पास करंट गुजरना शुरू कर देते हैं। विच कैन बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट, जिसे एक बैरूनी सर्किट से जोड़ दिया जाता है। द करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर इज नॉट यूनिट डायरेक्शनल। ये यूनिट डायरेक्शन मतलब एक सिमत में नहीं बहता। इट्स डायरेक्शन चेंज अगेन एंड अगेन, ये अपनी बार बार डायरेक्शन या सिमत को चेंज करता है। आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक महसूस वक्त के बाद। सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, तो इस करंट को अल्टरनेटिंग या एसी करंट कहा जाता है। फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज अ जनरेटर शुड हैव, हमारे पास एक हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रोडक्शन के लिए जनरेटर में कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हमारे पास होने चाहिए, मोर टर्न्स इन इट्स कॉइल, उसके कॉइल में ज़्यादा टर्न्स यानी कि ज़्यादा चक्कर होने चाहिए। क्विक रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, और मैग्नेट और कॉइल के दरमियान जो मोशन है वो भी ज़्यादा होने चाहिए। हमारा आज का लेक्चर है, इसको बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है और राइट भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।